मैं सबसे पहले आपको पेपर में दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से डॉट डालना है। तो सबसे पहले देखिए सारे डॉट्स जो है, ये जो मैंने सबसे पहले आपको पेपर पे लगा दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ से देखिए यहाँ तक मैं 3 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ से यहाँ इसी तरह हम 3 सेंटीमीटर गैप में सारे डॉट्स डाल लेंगे। इसके बाद इसी तरह हम कपड़े में भी डालेंगे। अब मैंने डाल लिया, अब देखिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करना है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में इस तरह से अटैच करना है इनको। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ इससे अटैच करेंगे। देखिए ये लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर से हमें शिफ्ट करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक। इसी के सीधे में जा रही तो ये यहाँ से यहाँ जा रही, फिर इसके स्ट्रेट में जो जा रही है तो ये यहाँ से यहाँ जा रही। तो अब देख सकते हैं एक पेड़ की लहर की तरह ये लाइन जा रही है। इसी तरह नीचे दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 डॉट छोड़ देंगे। अब इस चौथे डॉट से जो है ये उल्टा तरफ है पहले लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 का गैप हो गया, यहाँ 1 का गैप हो गया। तो हर किसी के साथ अब देखिए, ठीक इसी के सीधे में ये वाली है, ठीक है डॉट्स, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। देखिए उल्टा आ गए, ये जैसे हम ऐसे ऐसे गए, ये अब ऐसे ऐसे आ रही है इस तरफ से। तो इसका भी सेम होगा, देखिए इन दोनों के बीच 1 2 3, इन दोनों के बीच में 1, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 गैप हो गया ऐसे, तो बीच में 1 डॉट था, इसी तरह इन दोनों के बीच में भी सेम इसी तरह, लेकिन ये क्या उल्टे तरफ से जाएगी। तो इसी तरह से देखिए ये ऐसे चली गई, ठीक है। अब सेम हम फिर फॉलो करेंगे जितने डॉट्स होंगे। तो फिर इसके एक डॉट छोड़ के अगर यहाँ डॉट है, तो इस तरह से अगर डॉट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो हमारा दूसरा जो पैटर्न होगा यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये वाली जो है ऐसे आएगी, अब ये ऊपर की तरफ फ्लो होगा इसका। तो इसी तरह से अब हम स्टिच भी कैसे करेंगे कपड़े में, इस डॉट को और इस डॉट को दोनों को पकड़ करके हम स्टिच कर देंगे, फिर इसे इसे स्टिच करेंगे, इसे इसे स्टिच के जितने डॉट जहाँ जहाँ हमने इस तरह से इसे इस लाइन को अटैच किया, इन इस लाइन बस सिर्फ आपको क्या करना है, डॉट डॉट को मिलाकर स्टिच करना है, पूरे कपड़े में नहीं। इस डॉट को यहाँ से निडल घुसा के यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के इन दोनों को जॉइन कर देना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो देख सकते हैं कपड़े में भी मैंने डॉट डाल के इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लिया है, तो आपको भी इसी तरह से करना है। अब मैं इसे स्टिच करूँगी, तो देख सकते हैं आप मैंने यहाँ से धागे को लिए हैं और इस लाइन को देख रहे हैं यहाँ से उठा, अब इसे ही हमें खींच करके इन दोनों को मिला करके दोनों को स्टिच कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने दोनों को पकड़ के स्टिच कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे, धागे को कट करके हटा देंगे। देख सकते हैं कि मैंने इसे स्टिच किया, अब इसी तरह से इस डायगोनल को स्टिच करेंगे, फिर हम इस डायगोनल करके पूरे को जितने डायगोनल हमने बनाया सारे को हम स्टिच कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन वाली स्टिच की, तो इस तरह से इसकी पैटर्न बन चुकी है, और फ्रंट में देखिए इस तरह से पैटर्न बन चुकी है डाल की तरह सेम। इसी तरह से अब हम दूसरे डायगोनल को स्टिच करेंगे जो हमारा उल्टे तरफ से जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि पूरे पीछे पूरी तरह से स्टिच हो चुकी है। मैं आपको आगे की डिजाइन दिखाती हूँ। अब ये देख सकते हैं कितने सुंदर से डिजाइन पत्ते पत्ते की तरह बन चुकी है। तो इसी तरह से आपको भी इसके चार कपड़े पीछे तरफ से लगा के इसे हम अब हम इसे कुशन तैयार करें। तो केवल 10 मिनट में आपका तैयार होने वाला डिजाइन है। तो ट्राई कीजिए और इस डिज़ाइन को बनाइए और घर को डेकोरेट कीजिए। थैंक यू।